नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। टीवी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अपनी मौत से पहले सिद्धार्थ शुक्ला की वो आखिरी पोस्ट क्या थी। आपको बताएं कि इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ शुक्ला के करीब 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे, उन्हें प्यार करते थे। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक से मौत हो गई। केवल 40 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपने फैंस को उन्होंने ये बड़ा झटका दिया है क्योंकि उनके फैंस उन्हें बेहद पसंद करते थे, उन्हें प्यार करते थे। ऐसे में उनके निधन की खबर के बाद से उनके फैंस सदमे में है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो आखिरी पोस्ट क्या था जो सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से इंस्टाग्राम पे किया गया। आपको बताएं कि 24 अगस्त को सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से आखिरी पोस्ट की गई थी, जिसमें सिद्धार्थ ने लिखा है, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, अनगिनत घंटे काम करते हैं और उन रोगियों को आराम देते हैं जो अपने परिवारों के साथ नहीं हो सकते। आप वास्तव में सबसे बहादुर है। अग्रिम पंक्ति में रहना आसान नहीं है, लेकिन हम वास्तव में आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। #MumbaiDiariesOnPrime इन सुपर हीरो के लिए सफ़ेद टोपी, नर्सिंग स्टाफ और उनके अनगिनत बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि। 25 अगस्त को ट्रेलर आउट, #TheHeroesWeOwn। तो ये आखिरी पोस्ट 24 अगस्त को सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलामी दी। अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला के करियर की बात करें तो बालिका वधू से उनके करियर की शुरुआत हुई थी और बालिका वधू से ही सिद्धार्थ शुक्ला ने घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद वो दिल से दिल तक में नजर आए। और अगर हम फिल्म की बात करें तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में सिद्धार्थ के रोल को बेहद पसंद किया गया था, फैंस उनके दीवाने हो गए थे। वहीं अगर हम बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला एक अलग अंदाज में नजर आए थे। उनका किरदार और उनका व्यक्तित्व लोगों ने काफ़ी पसंद किया। खासकर अगर हम उनकी शहनाज गिल से दोस्ती की बात करें तो उनकी केमिस्ट्री भी लोगों ने बेहद पसंद की और यही वजह था कि उस वक्त #SidAndNaz ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर भी उनके फैंस की तरफ से लगातार उनके जोड़ी की सराहना की जा रही थी, लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे थे। ऐसे में आज सिड और नाज की ये जोड़ी टूट गई है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपको बताएं आज 10:30 बजे मुंबई के कूपर अस्पताल में इस बात की पुष्टि हुई है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री और साथ ही साथ बॉलीवुड की तरफ से भी शोक व्यक्त किया जा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसे में ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर आज सुबह सामने आई, जिसने सिद्धार्थ के फैंस को बड़ा झटका दिया है। महज 40 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।